आरसीबी अपने दूसरे मुकाबले में करेंगे 3 बदलाव। जी हां, मुंबई इंडियंस से मैच जीतने के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी अपने प्लेइंग 11 में करने वाले हैं 3 बदलाव। बेंगलोर का दूसरा मैच 14 अप्रैल को चेन्नई में खेला जाएगा। ये 3 बदलाव क्यों होंगे हम पूरी डिटेल से बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अगर हम आरसीबी और मुंबई इंडियंस के मैच पर नजर डालें तो विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और यह फैसला काफ़ी हद तक अच्छा साबित हुआ। आरसीबी ने पहले गेंदबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस की मजबूत बैटिंग लाइनअप को 159 रनों पर रोक दिया। हालांकि क्रिस लिन ने ताबड़तोड़ 49 रन बनाए, वहीं सूर्य कुमार यादव 31 और ईशान किशन ने 28 रनों की पारी खेली। दोनों ही अच्छे फॉर्म से गुजर रहे थे, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने इस मजबूत बैटिंग लाइनअप को 159 रनों पर रोक दिया। आरसीबी की गेंदबाजी शुरू से ही कमजोर कड़ी मानी जाती थी, लेकिन मुंबई इंडियंस के खिलाफ जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिला। हर्षल पटेल ने T20 में पहली बार 5 विकेट लिए, जो कि आरसीबी की डेथ ओवर की परेशानी को दूर करते दिखे। वहीं आरसीबी की नया खोज न्यूजीलैंड के कैल जेमिसन, जिन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर सूर्य कुमार यादव को आउट किया, जो कि एक किफायती ओवर मानी जाती है T20 में। वहीं सिराज ने कसी हुई गेंदबाजी की और सुंदर ने भी अच्छी गेंदबाजी की। क्रिस लिन जो खतरनाक दिख रहे थे, वाशिंगटन सुंदर ने उन्हें आउट किया, जबकि डैनियल क्रिश्चियन, शहबाज अहमद और चहल को खूब पिटाई हुई। लेकिन इन सब के बावजूद आरसीबी ने हर्षल पटेल के घातक गेंदबाजी के बदौलत मुंबई इंडियंस को 159 रनों पर रोका और आरसीबी ने अतिरिक्त 20 ओवरों में रोमांचक से भरा इस मैच को जीत लिया, जिसमें एबी डिविलियर्स ने 48 रनों की एक अद्भुत पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने 33 और मैक्सवेल ने 39 रनों का योगदान दिया। आरसीबी के लिए बड़ी बात यह है कि बिग शो यानी कि ग्लेन मैक्सवेल पिछले आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए नहीं चल पाए थे और इस आईपीएल में 2 सिक्स और 3 चौका मारकर यह बता दिया है कि वो खतरनाक फॉर्म में हैं और आईपीएल 2021 में गेंदबाजों को खूब पिटाई करने वाले हैं। आपको बता दें कि बिग शो ने 100 मीटर का पहला बड़ा छक्का मारकर अपने छक्के मारने की अकाल को खत्म कर दिया है। अब चर्चा करते हैं प्लेइंग 11 में बदलाव को लेकर। आरसीबी के इस प्लेइंग 11 में नजर डालें तो विराट कोहली के पास बॉलिंग के 8 ऑप्शन थे। अगर मुंबई इंडियंस 170-175 रन बनाए होते तो शायद इस मैच को आरसीबी हार सकती थी। इस पर आरसीबी को गौर करना होगा। आरसीबी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 7 गेंदबाजों का उपयोग किया, जिसमें डैनियल क्रिश्चियन ने डाले 2 ओवर जिसमें उन्हें 21 रन पड़े। वहीं शहबाज अहमद ने डाले 1 ओवर में 14 रन दिए। इन दोनों ने भी बैट से कोई कमाल नहीं दिखा पाए। आरसीबी ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसमें फिन एलन, पार्टिकल और पवन देशपांडे खूब प्रैक्टिस करते दिखे और कोचेस भी उनका तारीफ कर रहे थे। अगर बात करें बदलाव को तो अगले मैच में डैनियल क्रिश्चियन के जगह पर फिन एलन को खेलते देख सकते हैं। ऐसे तो फिन एलन ओपनर बैट्समैन है, लेकिन उन्हें नंबर 3 पर खेलना होगा क्योंकि रजत पाटीदार के जगह पर पार्टिकल पक्का खेलने वाले हैं और पार्टिकल विराट कोहली के साथ ओपनिंग करते दिखेंगे। पार्टिकल कोरोना पॉजिटिव होने के कारण पहला मैच नहीं खेल पाए थे। हालांकि मैच से 2-3 दिन पहले उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था और पार्टिकल ने कैंप भी ज्वाइन कर लिया था, लेकिन आरसीबी ने उनकी हेल्थ को देखते हुए उन्हें पहला मैच नहीं खिलाया। वहीं बात करें तीसरी बदलाव को तो मे भी हो सकता है कि शहबाज अहमद की जगह पर पवन देशपांडे को मौका दिया जा सकता है। पवन देशपांडे एक बैटिंग ऑलराउंडर है और ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं। आरसीबी ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 160 रनों के लक्ष्य को 8 विकेट खोकर आखिरी गेंद पर हासिल किया था। ऐसे में बेंगलोर को अपने प्लेइंग 11 में 8 बॉलिंग ऑप्शन की जगह 6-7 बॉलिंग ऑप्शन के साथ उतरना चाहिए और एक एक्स्ट्रा बैट्समैन और एक और अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर के साथ उतरना चाहिए, जो जरूरी पड़ने पर 1-2 ओवर डाल सके और हो सकता है कि अगले मैच के प्लेइंग 11 में 2-3 बदलाव देखने को मिले। तो गाइज, कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन वीडियो तो लाइक कर हमें बताएं और आपको क्या लगता है आरसीबी के प्लेइंग 11 में क्या बदलाव की जरूरत है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।